गुड मॉर्निंग भाई लोगों, क्या हाल है आपके? और मेरी मॉर्निंग तो गुड हो चुकी है और मैं उठ भी चुका हूँ। और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है मेरा गांव है। और आज फिर हम चलते हैं मसूरी के बगल में एक प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है सुरकंडा, तो वहीं आपको मिलता हूँ। चलो चलते हैं फिर। यहाँ से हाँ ऊपर तो से भाई, हम मैं सुरकंडा के ऊपर मंदिर में पहुंच चुका हूँ ऊपर हैं। सुरकंडा के यहाँ मंदिर से में नीचे जाने के लिए बहुत और नीचे अब जाने के लिए आपको काफी दिखाता हूँ। दूर है। यहाँ से वो सामने नीचे नीचे वो बहुत दिखाई दूर दे रही रोड है दिखाई दे रही है। जिससे मैं घर चल के आया आप देख हूँ। सकते हैं और यहाँ आगे पे अब फिर ट्रॉली का काम भी चल ये रहा है। जो नीचे से सामने यात्रियों ट्रॉली के का लिए काम चल रहा है, ऊपर आने के लिए यहाँ पे जिससे ट्रॉली मैं का काम ट्रॉली चल का रहा है, काम चल रहा है। जा रहा है। पहले आप भी देख लोग सकते तो हैं यहाँ यहाँ पे भी आया करते थे, काफी अच्छा नजारा अब है। तो यहाँ फिर सरकार की तरफ से ऐसा हरियाली हो नजारा चुकी सिर्फ है। उत्तराखंड में ही हरियाली मिल सकता है आप लोगों को। पैदल अच्छा तीन चार नजारा है पाँव यहाँ चल पे। भी आते थे, अब तो फिर भी ठीक हो चुका है। और ये रहा आपका सुरकंडा का मंदिर। सारे लोग, काफी मात्रा में भीड़ है, जिसकी की वजह यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मेरी बात मानो भाई लोगों, आप भी इधर आओ और अपनी मनोकामनाएं पूरी करा लो, क्योंकि इधर हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। चलो आपको पहले एक बार मंदिर के दर्शन कराते हैं। भाई लोगों, देखिए साफ सफाई, इतनी अच्छी साफ सफाई, गुलाबी बहुत ही अच्छी सूट साफ सफाई हो रखी तेरे। इधर। ये देखिए, अब मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए इधर से, बस सबसे खास बात यही है कि यही है कि ये जो आपने अभी पेड़ देखा ना, पेड़, ये जो माता रानी की चुन्नियाँ बंधी है, इनको बांधने से ना आपकी मनोकामना पूरी होती है। शादी गुलाबी के बाद सूट दोनों तेरो, पति पत्नी यहाँ पे वही चुन्नी बांध के जाती है ताकि उनका रिलेशनशिप अच्छा चले। यही वजह है माता रानी के दर्शन करने के लिए हर कोई यहाँ से खुशी खुशी जाता है, क्योंकि यहाँ सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये देखो यहाँ पे फर्श इतना मस्त है कि तांबे लगा हुआ है, पूरा का पूरा देख तांबा सकते हैं लगा यहाँ है। से हिमालय पर्वत भी यहाँ से साफ साफ फिर दिखाई दे रहा आप है। सामने देख सकते हो हिमालय पर्वत है। और ये मंदिर देखिए की बैक ऊपर साइड देखिए, यहाँ पे महासुरकंडा के चोटी पे सारा का सारा सोना लगा है। त्रिशूल भी सोने का है, यहाँ पे जो बिंब पड़े हैं ना उन पे भी सोने की छत्तर चढ़ाई गई है। और यहाँ पे टाइल लगी है, एकदम मस्त नज़ारा है, एकदम मस्त मंदिर है इधर। और ये सामने आप देख रहे हो ना, ये हिमालय पर्वत है। ये हिमालय पर्वत इसके ठीक पीछे मंदिर के, अगर आपको हिमालय पर्वत देखना है तो आप भी इस मंदिर में आ सकते हैं। वैसे तो मैंने मंदिर के बहुत राउंड मार लिए है, पर लेकिन आप सबको दिखाता हूँ कि चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ एक बार, तो आपने देख लिया होगा। ये सामने हनुमान जी की मूर्ति है और ये सामने का व्यू हिमालय पर्वत इतना खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पर्वत है ये। उसको देखने के लिए आप इधर आ सकते हो। और यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति है, शिव भगवान की अच्छी सी मूर्ति है। यहाँ पे सामने शिव भगवान की मूर्ति है। और यहाँ पे लोग अपने फैमिली को लेकर आ रहे हैं, बच्चे बड़े सब आ रहे इधर। और आप देख रहे हो यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना मांग रहे हैं, क्योंकि इस मंदिर में आके सबकी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए सब अपनी अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। यहाँ पे माता रानी की झंडिया लहरा रही है। ये देखिए सामने तक इतना अच्छा पर्वतों पर व्यू आ रहा है। ये तो पहाड़ के पास पास है, पहाड़ में आपको हर चीज़ मिल सकती है। ये देखिए काफ़ी अच्छा मंदिर है। वैसे तीन मंदिर है इधर,
एक तो मांस और कंडा का सामने जो सबसे बड़ा वाला है, बाकी एक दाएं और एक बाई और, दोनों मंदिर भी है। पर मंदिर है बड़ा गजब का, और मैं दिखाता हूँ आपको नाइट व्यू, इतना अच्छा व्यू आपने कभी देखा नहीं होगा, इतना अच्छा व्यू है यहाँ का नाइट व्यू। और ये देखिए पर्वत के जंगल है, जो दूसरी वीडियो आएगी ना उसमें देखना, इस इन्हीं जंगलों के अंदर जाके आपको इन जंगलों की सैर कराएंगे हम अपनी वीडियो के अंदर आपके लिए। आप देखिएगा फिर पर्वत कितने खूबसूरत होते हैं, आपको नदियों झरनों सबकी सैर कराएंगे हम अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें, क्योंकि अभी मैं बच्चा हूँ, आप लोगों को सपोर्ट करके ही आगे